Question. Prove that 2 sin 5 theta into sin 3 theta equal to cos 2 theta minus cos 8 theta. तो इस क्वेश्चन को हम टू डिफरेंट वे से प्रूव करेंगे. फर्स्ट मेथड, इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड प्रूव करेंगे. हेयर LHS इक्वल टू 2 sin 5 थीटा इंटू साइन 3 थीटा दिया. तो इसमें हम डायरेक्टली यूज करेंगे इस ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले को. ये 2 sin a इंटू साइन बी इक्वल टू cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी. तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये होगा cos 5 थीटा माइनस 3 थीटा माइनस cos 5 थीटा प्लस 3 थीटा. सो इक्वल टू ये होगा cos 2 थीटा माइनस cos 8 थीटा इक्वल टू राइट हैंड साइड. हेंस प्रूव्ड. और अब हम इसको राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करके दिखाएंगे. सेकंड मेथड, RHS इक्वल टू cos 2 theta माइनस cos 8 theta. तो इसमें हम यूज करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले. तो उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसमें cos c माइनस cos d के दो फॉर्मूले दिए हुए हैं. तो इस वाले को यूज करेंगे क्योंकि इसमें इस वाले फॉर्मूले को तब यूज करना है जब d ग्रेटर हो c से. तो यहाँ पे ये 8 थीटा ग्रेटर है ये फर्स्ट वाले एंगल से 2 थीटा से. तो उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये होगा 2 साइन 2 थीटा प्लस 8 थीटा बाय 2 इंटू साइन, इसमें 8 थीटा पहले होगा, इक्वल टू 2 साइन 10 थीटा बाय 2 इंटू साइन 6 थीटा बाय 2 इक्वल टू 2 साइन, इसमें कैंसिल कर देंगे 10 को तो ये होगा 5 साइन 5 थीटा इंटू साइन, और इसमें कैंसिल करेंगे ये होगा 3 थीटा इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड. हेंस प्रूव्ड. Thank you.